हारूनाबाद में म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों की भरमार। डेवलपर्स कॉलोनियों को मंजूर शुदा बताकर फरोख्त करने लगे, हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान। शहरियों का नैब और मुतालिका महकमों से नोटिस का मुतालबा। स्मोक से मुमकिना बचाव के लिए हुकूमत इकदाम जारी, भट्टा फिर 20 अक्टूबर से बंद करने का फैसला। भट्टा मालिकान ने ईंटों का रेट बढ़ा दिया, 3000 ईंटों की कीमत 18 से 23000 तक जा पहुंची। कई भट्टा मालिकान ने ईंटों की सप्लाई रोक दी। वजीर आजम इमरान खान का अर्ज पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने का अजम। पौधे और दरख्त कहाँ लगाए जाएंगे, दरख्तों की हिफाजत कैसे की जाएगी, पीएचए डायरेक्टर से 3 साल प्लान तलब। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतखाबात एग्जीक्यूटिव बॉडी के 12 मेंबरान के चुनाव के लिए पोलिंग आज होगी। 417 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जनूबी पंजाब में जिमनी इंतखाबात, मुल्तान पीपी 222 में मेहदी अब्बास खान को शेर, राणा सुहेल नून को बैट समेत 15 उम्मीदवारों को निशान अलॉट। डेरा गाजी खान पीपी 292 से 15 और मियां वाली पीपी 87 के 4 उम्मीदवारों को भी निशान अलॉट कर दिए गए। मुजफ्फरगढ़ पीपी 272 के सियासी अखाड़े में दिलचस्प मुकाबला, मां बेटा और बहू होंगे मद्दे मुकाबल। सैयदा जहरा बतूल वालिदा को बल्ला, बेटे सैयद हारून सुल्तान को बाल्टी और बहू जहरा बासे सुल्तान को चारपाई का निशान अलॉट। कुल 8 उम्मीदवारों को निशान अलॉट। लोथरा के स्कूल टीचर की तालिब इलम के साथ नासेबा हरकत, वुरसा और शहरियों का एहतजाज और स्कूल मालिक के खिलाफ नारेबाजी। मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश जारी। जदीद टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है, वालिदैन की शिकायत पर सनामा पुलिस का इंटरनेट कैफे पर छापा। कैफे मालिक को गिरफ्तार करके कंप्यूटर्स को कब्जे में ले लिया गया। उधर चुस्तियां में डाकू राज, निजी कंपनी का सेलमैन 1 लाख नकदी से महरूम। पुलिस ऑफिसर ने अपने मातहत अहलकार पर ही तशद्दुद कर डाला। लैया सुपरिटेंडेंट जेल फिरोज कलियार का बतौर ड्राइवर तैनात मुलाजिम पर थप्पड़ों की बरसात। रोही न्यूज ने अहलकार पर तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। सखी सरवर पुलिस जराय पेशा अनासर के खिलाफ मुतहरिक, 2 करोड़ मालियत की नॉन कस्टम पेज गाड़ी और असलहा बरामद। 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान में बामनजी चौक पर तेज रफ्तार कार बेकाबू, 4 मोटरसाइकिल सवारों और 1 कार को टक्कर लगने से 7 अफराद जख्मी। मुतासर अफराद निश्तर अस्पताल मुंतकिल, थाना कैंट पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मियां वाली पुलिस पर्ची जुआ खेलने और करवाने वालों के खिलाफ सरगर्म, मरकजी मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार। नकद रकम समेत 2,96,000 मालियत के बॉन्ड भी बरामद कर लिए गए। शहरे औलिया में सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी सरगर्म, मुजरे सेहत दूध से भरे टैंकर से 3000 लीटर से ज्यादा दूध तलफ कर दिया गया। मुजरे सेहत दूध केमिकल की मदद से तैयार करके सप्लाई किया जाना था। मियांवाली में सवा रेलवे स्टेशन के करीब खुशहाल खटक एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन की 9 बोगियां पटरी से उतरने के बाद 26 अफराद जख्मी हो गए। ट्रेन कराची से पेशावर जा रही थी, इमदादी कार्रवाइयां जारी। मैपको समेत दीगर कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन का मामला, वजारत पावर डबीए ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। 3 साल गुजरने के बावजूद मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन को मुस्तकिल न किया जा सका। सब कमेटी ब्राय काबीना के फैसले पर मुस्तकिल होने वालों का रिकॉर्ड भी तलब। मुल्तान कदीमी इमाम बारगाह शाह यूसुफ गरदेस में मजलिस अज़ा, दरबार हजरत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह पर मजलिस अज़ा। अल्लामा जाकिर कुरबासी ने मसायब अहले बैत बयान किए। बहावलनगर इमाम बारगाह बाबे अली में भी मजलिस अज़ा। मुल्तान में इमाम बारगाह कमसरवाली से बरामद होने वाला जलूस इमाम बारगाह शाहरा साल पर इख्तिताम पसीर। उधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हों की याद में ताजिया की तैयारियां जारी।
मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए सूबाई वज़रा की ड्यूटियां लग गईं। मुल्तान में सूबाई वजीर डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक इंतजामात की मॉनिटरिंग करेंगे। उधर इमाम बारगाह शाह यूसुफ गर्देस और इमाम बारगाह शाह महिंगर की सिक्योरिटी अलीट फोर्सेज के सबूत। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्क ने सिक्योरिटी का भी जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजामात गैर तसल्ली बख्श होने की सूरत में SHO और 3 कांस्टेबल्स को मुअत्तल। कमिश्नर डेरा कासी खान, राणा गुलजार अहमद, RPO शेख उमर और MNA सरताज गुल का जलूस रूट्स का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर राबिया सयाल और मेयर बहावलपुर अकील नजम हाशमी ने भी मुहर्रम जलूस रूट्स का दौरा किया। भक्कर पुलिस का मुहर्रम जलूस रूट्स पर फ्लैग मार्च। पुलिस एलीट फोर्स और दीगर अदारों की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर का इमाम बारगाह फैस पंचतन और जलूस रूट का दौरा। DPO मियांवाली सैयद करार हुसैन की दरियाई चेक पोस्ट पर भी सिक्योरिटी सख्त करने की हदायत। मुजफ्फरगढ़ टिब्बी हुसैनाबाद के मतवली सैयद गजनफर अब्बास नकवी सिक्योरिटी इंतजाम से मुतमईन। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सलीम कैसर और DPO फैसल शहजाद के जिला भर में दौरे। खानेवाल में जिलाई अम कमेटी की अम कॉन्फ्रेंस। DC समेत मुतअद्दद उलमा इकराम की शिरकत। मुहर्रम उल हराम में शुहदाए करबला से अकीदत का बेपना इजहार। शहर औलिया में अकीदतमंद तबरकात लेने में मसरूफ। शबीहा तबरकात और गाजी अब्बास रजीदाला अनहो का आलम शहरियों की तवज्जो का मरकज। उधर मुहर्रम उल हराम में नजरों नयाज का सिलसिला जारी। बहावलपुर साबिक सूबाई वजीर मलिक इकबाल चनर की जानिब से मरहूम कलसूम नवाज के लिए दुआया तकरीब। MPA मलिक जहीर इकबाल, डिप्टी मेयर मलिक मुनीर, UC चेयरमैन काउंसलर समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मरहूमा के ऐसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। मुजफ्फरगढ़ में खुर्रम सुहेल लगारी के मामले खसूसी बनने के बाद हल्का में आमद। अवाम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। रुकन कौमी असम्बली के हक में नारेबाजी। खुर्रम सुहेल लगारी ने कहा, हल्के की हालत बदलने की भरपूर कोशिश करूंगा। सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जाने की दरख्वास्त पर कमिश्नर बहावलपुर इन एक्शन। मुतालिका अमले को कब्जा वागुजार कराने के अहकाम जारी कर दिए। जिसका काम उसी को साजे, डॉक्टर के बजाय वार्ड बॉय ने ब्लड प्रेशर क्यों चेक किया। CEO हेल्थ डॉक्टर वसीम ने डॉक्टर फारूक लोधी और वार्ड बॉय को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। देसी अखाड़ों में हुकूमती अदम दिलचस्पी के बाय सहूलियात का फुकदान। रहीम यार खान के अखाड़ों में पहलवानों की तादाद में रोज ब रोज कमी। पहलवानों का हुकूमती इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा। और इंटर डिवीजन तेक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मुल्तान डिवीजन टीम के ट्रायल्स। मुल्तान, लोथरा, खानेवाल और विहाड़ी से खिलाड़ियों की शिरकत।